गाइस मैं हूं उमैद पवन पैलेस में, जो कि जोधपुर और राजस्थान में स्थित है। आप देख सकते हो इस जगह का माहौल कैसा है। आपको मैंने हिस्ट्री बता दिया था मोबाइल के मदद से, तो आप वो हिस्ट्री देख लेना, इसी वीडियो में है। और ये भी देख लो कि यहाँ पे जो क्या व्यू है इस जगह पे, चारों साइड देख सकते हो आप। गाइस उमैद पैलेस भवन को बनाने में लगभग 15 साल लगी थी, चूँकि लोगों को, किसानों को काम भी चाहिए था, इसलिए जो उमैद राजा थे उन्होंने इसको 15 साल तक इसका काम जारी रखा और लोग काम करते रहे, उसके बहाने किसानों को रोज़गार भी मिली। मैं हूं ट्रैवलर कनक और अभी मैं हूं उमैद भवन पैलेस जोधपुर राजस्थान। और ये जो पैलेस है जोधपुर में स्थित है, इसका नाम महाराजा उमैद सिंह के पौत्र ने दिया था, जो वर्तमान में मालिक हैं। अभी वर्तमान समय में इस पैलेस में 347 कमरे हैं। उमैद भवन पैलेस को चित्तर पैलेस के नाम से भी पहले जाना जाता था जब इसका निर्माण कार्य चालू था। यह पैलेस 1943 में बनकर तैयार हुआ था। उमैद भवन पैलेस के निर्माण का इतिहास एक संत द्वारा एक अभिशाप से जुड़ा है, जिन्होंने कहा था कि राठौड़ राजवंश के सुशासन के दौरान एक अकाल पड़ेगी। इस प्रकार प्रताप सिंह के लगभग 50 साल के शासनकाल के अंत के बाद जोधपुर का लगातार 3 वर्षों की अवधि के लिए 1920 के दशक में भीषण सूखे और अकाल का सामना करना पड़ा था। इस कठिनाई का सामना करने वाले क्षेत्र के किसान ने तत्कालीन महाराजा उमैद सिंह, जो कि जोधपुर में मारवाड़ के 37वें राठौड़ शासक थे, को कुछ रोजगार प्रदान करने को कहा गया था। इसी संदर्भ में राजा ने उमैद पैलेस भवन को बनाया, जिससे कि किसानों को एक रोजगार भी मिल जाए। इस जगह के बारे में एक बात और मैं बता दूं, उन्होंने महल के योजना तैयार करने के लिए वास्तुकार के रूप में हेनरी वॉन लॉन्चेस्टर को उत्तरदायित्व दिया। लॉन्चेस्टर एडविन लुटियंस के समकालीन थे। उन्होंने नई दिल्ली सरकार के परिसर की इमारतों की योजना बनाई थी। लॉन्चेस्टर ने गुंबदों और स्तंभों के विशेषताओं को अपनाकर नई दिल्ली भवन परिसर की तर्ज पर उमैद पैलेस का निर्माण किया था। महल को पश्चिमी प्रौद्योगिकी और भारतीय वास्तुकला के समायोजन के रूप में डिजाइन किया गया है। गाइज ये है उमैद भवन का 3D मॉडल, जो कि उमैद भवन प्लेस में जब भी आप अंदर जाओगे तब आपको वहां पे ही रखा हुआ एक शीशा के अंदर पे मिलेगा। और ये रहा ऊपर का जो है छत, जिसको बोल सकते हैं, वो आप देख लो कि किस तरह का डिजाइनिंग है, उस समय किस तरह का डिजाइनिंग चला करता था। ये लॉबी है और लॉबी के बाद आप पूरा का पूरा म्यूजियम देखोगे, और म्यूजियम में बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, लाइक जो मतलब राजा महाराजा शिकार वगैरह करते थे वो सब थोड़ा बहुत उसका झलक है, झांकी टाइप आप समझ लो इसको। और देख सकते हो यहाँ पे वो तस्वीरें रखी गई हैं, जो उपलब्धियाँ हैं या राजा महाराजा के परिचित या फिर किसी तरह के और भी राजा के साथ पिक्चर, या फिर जो पुराने जो इतिहास में जो लोग थे, जैसे कि उनका दादा वगैरह, उनका तस्वीर वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है सो राजा महाराजा के द्वारा जो यूज किया गया सामान है, जैसे कि ये देख लो क्या है इसमें, एक तरह से कि टॉर्च टाइप का है, ये लैम्प टाइप का इसको बोल सकते हैं आप, वो है। और ऊपर उस जगह के उस चीज़ के बारे में हिस्ट्री भी लिखी हुई है, और कौन इस्तेमाल करता था, किसके समय में इसका इस्तेमाल हुआ करता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अंकित किया हुआ है और लिखा हुआ है। आप जब जाओगे उमैद भवन पैलेस तो आप देख लेना। इस पैलेस में देख सकते हो आपकी जो खेलने के लिए जो सामान थे यहाँ पे, और कुछ औजार वगैरह देख सकते हो, कुल्हाड़ी टाइप का, किसी में सोना का बेत है, किसी में चांदी का बेत है, और बहुत ये सब देख लो आप, बर्तन है ये, और खाने पीने के लिए, चाय पर के लिए ये सब बर्तन, और ये सब बर्तनों में नकाशी और वो सब, मतलब बहुत पुराने टाइम में, मतलब जिस समय राजा हुआ करते होंगे तो उस समय ये सब चीज़ें मतलब उपयोग किया करते थे। कुछ इस तरह से देखो घोड़ा है अंदर, सारा कुछ शीशा में पैक है, और आप बस बाहर से देख सकते हो, बगल में हिस्ट्री उसकी लगा दी गई है। हालांकि मैंने जैसा कि बताया कि एक म्यूजियम, और इस चेयर पे जैसे कि कोई बैठते होंगे उसका भी हिस्ट्री यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब देख लो कि घड़ियाँ हैं, कितने तरह का ये वॉच टावर टाइप का घड़ी आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सब सारे मुझे तो देखने से पीतल का फील हुआ, लेकिन पता नहीं वो क्या है। आप देखो तरह तरह के जो घड़ियां हैं वो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये सब घड़ियां
मतलब बहुत सारी घड़ियां हैं यहाँ पे और सब जमाने हो चुके हैं इसको, राजा महाराजा इसको यूज करते होंगे और उस समय का ये म्यूजियम है और यहाँ पे रखा है। ये पूरा बाहर, जैसे ही आप म्यूजियम के बाहर निकलोगे तो एक एरिया है जो खुला हुआ है, बाहर के बाद ये एक ऐसा एरिया है जो खुला हुआ है, जो कि आपको पता है कि टिकट लगता है उमैद भवन जाने का 60 रुपीज़। और ये पूरा एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ चारों साइड से कि आप देख लो कि कैसा बनावट था। एक ये अंग्रेज के द्वारा, मतलब इसके जो वास्तुकार थे या जो भी काम किए वो एक अंग्रेज थे। गाइज, मैं हूँ ट्रैवलर कनक और अभी मैं हूँ उमैद भवन पैलेस में, जो कि एक छोटा सा पार्ट टूरिस्टों के लिए एक्सेसिबल है और वो पार्ट में म्यूजियम वगैरह भी है। म्यूजियम में शोखे, ड्रेसिंग टेबल्स, आईने, तलवारें और भी न जाने बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो मैं हूँ अभी उमैद भवन पैलेस में और ये है नज़ारा। बहुत ही छोटा सा हिस्सा में टूरिस्टों को 60 रुपीज़ पर टिकट में आने का इजाज़त है और घूमने का।